हाय, दिस इज नेहा सरगम एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। नेहा सरगम ने बदला अपना रूप और लो हो गई तैयार। माथे पर मांग टीका, बाजू बंद और चमकीले कपड़ों में लो आ गई यशोदा मैया। नेहा से यशोदा मैया बनने का ये सफर बहुत ज्यादा आसान नहीं था नेहा के लिए। आइए नेहा की ही जुबानी जानते हैं कि उनका ये सफर कैसा था। आप हैं यशोमती मैया के नंदलाल के सेट पे, जो कि है आम गांव का गोकुल, और आप देखेंगे कि मैं कैसे इस अवतार से यशोमती के अवतार में आऊंगी। सोनी टीवी के पॉपुलर शो यशोमती मैया के नंदलाल में आप देखेंगे नेहा सरगम को यशोदा मैया के किरदार में। मेकअप का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको करना बहुत ज्यादा ये लगता है कि यार मतलब अभी ये करना पड़ेगा मुझे? ऐसा कुछ नहीं है। See, there is not much makeup, but हाँ, मुझे मेरा बस सिर्फ मैं आईज नहीं ही करूँ, ऑलमोस्ट नहीं ही करती हूँ, बट आईज करने में मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। आंखें खुल नहीं रही होती सुबह सुबह और आपको आईज करनी पड़ती है। और कौन सा पार्ट है मेकअप का जो आप करते हो बड़े इंजॉय करते हो, या आप खुद से भी कर सकते हो आपको बिना किसी के हेल्प? ब्लश। I love to put on blush. You have to smile, no? Dress में सबसे favorite color आपका कौन सा है? वो मैं पहनती नहीं हूँ। White. I love white color, but ये अशोदा के नॉन मैं white color. मतलब you have to look colorful, you have to look like the calendar look of. बस पिंक में मैं अच्छी लगती हूँ, वो अलग बात है। आप अपने फैंस को पूछ सकते हो कि वो आपको किस कलर में ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। हाँ, आप ही बता दो, आप लोग लिखना मुझे, कमेंट्स करिए मेरे पेज पे या जहाँ भी आपका मन करे, पकड़ लो मुझे कहीं भी रास्ते में और बोलो नहीं ये कलर पहना करो आप, तो मुझे बताओ किस कलर में मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, अच्छा लगेगा जान के। अच्छा, कितना समय लग जाता होगा रेडी होने में इस गेटअप में? 1 से 1.5 घंटा तो लगता है हमें, क्योंकि हम लोग उसी बीच सब कुछ करते हैं, मतलब सांस भी लेते हैं, नाश्ता भी करते हैं सुबह सुबह। इस गेटअप का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है इस पूरे लुक में? द होल आउटफिट इज गुड एक्सेप्ट फॉर दिस दुपट्टा, इट्स नॉट अबाउट हैवी, हैवी वाले भी हैं, बट ये पहनने में मुझे बहुत मुझे रिस्ट्रिक्शन होती है, लाइक ऑल माय लहंगाज हैव पॉकेट्स, आई लाइक टू फील लिबरेटेड। तो मेरे मैंने बोला कि यार तुम लोगों ने लड़कों को पॉकेट दिया है, हमको क्यों नहीं दिया पॉकेट, तो हमको भी अब मेरे लहंगे में भी सारे लहंगों में पॉकेट्स हैं, मोबाइल रखने के लिए, हाथ डालने के लिए, भी चाहिए यार, ऐसा क्या है, मेरे को भी स्वैग। अच्छा, और इस पूरे लुक से बाहर आके वापस नेहा बनने में? वापस आके नेहा बनने में तो सुपर सोनिक स्पीड, पूरे दिन मैं आई कीप वेटिंग फॉर दैट टाइम जहाँ पर मुझे वापस नेहा बनने का मौका मिले। अरे मैं मैग्नेट वाले जगह से जाऊँ चिपक जाऊंगी मैं। कभी ऐसा हुआ कोई पिन चुप गया हो कहीं? खास तौर पे जब ये वाला कपड़ा पहनती है ना तो उस दिन मुझे ज्यादा चुभते हैं, बट बहुत ध्यान रखती है, मुझे चुभता है आ इनकी निकलती है। सो अब आप तैयार हो गई हैं, बताइए कुछ अपने लुक के बारे में। बस यही लुक है, लहंगा है, कपड़े हैं, दुपट्टा है, कमरबंद है, मंगलसूत्र है, गले का है, सिंपल है, मतलब इट्स नॉट वेरी फैंसी, इट्स कॉटन, सिंपल हल्के कपड़े हैं। ओके, व्हिच वन इज योर फेवरेट लुक एज यशोदा? दिस वन इज माय फेवरेट लुक, द पिंक वन। ये इन लोगों ने प्रोडक्शन ने पूरा डिस्प्ले बना के रखा है कि मैं कैरेक्टर से बाहर ही ना आ सकूं। ओके, अभी बीच में श्रीदेवी आपको याद आ गई थी, आपकी आंखें भी उनकी जैसी ही है थोड़ी थोड़ी। आई नहीं मतलब कमाल है वो। हाय, एक्चुअली श्रीदेवी जी तो हम सबके अंदर है ना, हर लड़की के अंदर थोड़ी थोड़ी श्रीदेवी है,
I just love her. But yeah, it's very similar to Nagin look. मतलब इसलिए थोड़ा सा. Okay, एक last message fans के लिए. फैंस के लिए यही मैसेज है कि जो भी ये शो देख रहे हैं हमें बहुत पसंद कर रहे हैं और थैंक यू सो मच. आई नो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको एज क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव टीम को कुछ बनाना पड़ता है. प्लीज़ ज़्यादा दिल पे मत लीजिए वो सब. हमको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, हम आपके लिए ही बनाते हैं. और थैंक यू हमारा काम पसंद करने के लिए, हमें सराहने के लिए. थैंक यू सो मच, आपका प्यार मिल रहा है. मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है आम गांव में टिके रहने के लिए. सो थैंक यू. वेल, नेहा सरगम और यशोदा मैया में से आपको कौन सबसे ज़्यादा भोली और प्यारी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चेकर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Checker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.